दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भारतीय के बारे में जिन्हें सबसे पहले मिली थी भारतीय सेना की कमान। KM करियप्पा पहले भारतीय थे जिन्हें आजाद भारतीय सेना की कमान दी गई थी। साथ ही जिस दिन भारतीय सेना आजाद हुई थी उस दिन पहली बार करियप्पा ने सेना की कमान संभाली और 15 जनवरी के इस दिन को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कई साल भारत का नेतृत्व किया। उन्होंने साल 1947 में हुए भारत पाक युद्ध में पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना का नेतृत्व किया। KM करियप्पा का जन्म 28 जनवरी 1899 को कर्नाटक में हुआ था और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मडिकेरी के सेंट्रल हाई स्कूल में कर ली थी। साल 1917 में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उनका नाम उन दो अधिकारियों में से एक है जिन्हें फील्ड मार्शल की पदवी दी गई थी। आपको बता दें कि वे एक होनहार छात्र होने के साथ साथ क्रिकेट, हॉकी और टेनिस के अच्छे खिलाड़ी रहे। पूरी ईमानदारी से देश को दी गई उन सेवाओं के लिए भारत सरकार ने साल 1986 में उन्हें फील्ड मार्शल का पद प्रदान किया। साल 1953 में रिटायर होने के बाद करियप्पा ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बतौर हाई कमिश्नर का काम किया। बताया जाता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनके पिता से डर लगता था। हालांकि जनरल करियप्पा के नेहरू और इंदिरा के साथ काफी अच्छे संबंध थे। दोस्तों इसी प्रकार की नई नई वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद।